नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉब प्लेसमेंट यूट्यूब चैनल। मैं मुकेश कुमार इस वक्त की आपके लिए भोपाल समाचार की बड़ी खबर बताने वाला हूं। जिस प्रकार हम देख सकते हैं, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इससे पहले यानी एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर संसद बना हुआ था। साथ ही परीक्षाओं की जो फैंस है, एग्जाम डेट है, उसको बढ़ाने के लिए इंदर सिंह परमार ने बयान दिया था कि बढ़ सकते हैं कोविड-19 के कारण एग्जाम। लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द हम फैंस इसके संबंध में आदेश जारी करेंगे। साथ ही कैबिनेट में मीटिंग लेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सीएम से चर्चा करेंगे। उसके बाद ही 15 तारीख के बाद डिसीजन होगा 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। जबकि इधर हम देख सकते हैं, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षाएँ आयोजित करनी थी, जिसकी डेट भी फ्रेंस है आ चुकी थी। आप देख सकते हैं, यानी 9वीं की जो परीक्षाएँ और 11वीं की परीक्षाएँ आप देख सकते हैं 11 अप्रैल से प्रारंभ होनी थी, जिसके संबंध में फ्रेंस एक बार इंदर सिंह परमार ने कैबिनेट में आप देख सकते हैं लोक शिक्षक संचालन आयोग से चर्चा की है। साथ ही बयान निकलकर अब सामने आ रहा है कि जल्द जो एग्जाम 9वीं और 11वीं की होंगे, उसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा अभी पूर्ण तरीके से संभव नहीं है। जब तक एजुकेशन पोर्टल पर फैंस हम देख सकते हैं कोई आदेश है नहीं आ जाता, जब तक हम यह संभव नहीं कर सकते हैं ऐसी प्रोसेस होगी या नहीं होगी। लेकिन भोपाल समाचार की रिपोर्ट ने खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है प्रदेश में 15 मार्च तक स्कूल बंद किए गए हैं, जिसमें फैसला लिया गया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, लेकिन अभी यह पूर्ण तरीके से संभव नहीं है कि सभी जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। क्या केवल जहां कोविड-19 का कहर है, केवल उन स्कूलों को बंद किया गया है, जिसके बाद अब एमपी बोर्ड यानी 9वीं और 11वीं की ऑनलाइन मोड परीक्षाएं ली जा सकती हैं। यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने फ्रेंड्स कही है। इस स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कोविड यानी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 9वीं और 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन नहीं हो सकती है। जिसके बाद उन्होंने यह भी बयान दिया है कि घरों से यानी 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जा सकती है। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र घर पर भेजे जा सकते हैं। वहीं छात्र को अपने स्कूल में या फ्रेंड्स ग्रुप बाई ग्रुप अलग अलग ग्रुपों में फ्रेंड्स जमा करने होंगे। बता दें कि संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के स्कूलों को 15 अप्रैल तक के लिए बंद रखा गया है। अब ऐसा अभी संभव नहीं है कि जहां सभी स्कूल बंद किए गए हैं कि केवल एमपी में जहां कोविड-19 के कहर जिन जिलों में है वहां के स्कूल बंद किए गए हैं। जब तक आदेश साफ नहीं हो जाता, ऐसा अभी कुछ संभव नहीं है। आप देख सकते हैं 1 या 2 दिन में आदेश जरूर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में वहीं 9वीं और 11वीं की फाइनल परीक्षा ऑफलाइन नहीं ली जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग आप देख सकते हो उनके द्वारा 9वीं 11वीं की परीक्षा ओपन बुक सिस्टम से कराए जाने का फैसला हो सकता है, कहा गया है। कुछ न्यूज रिपोर्टर के चैनल के माध्यम से भी अभी बताया जा रहा है। वहीं इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है कि जिस तरह कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वैसी स्थिति यदि ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है। वहीं परमार ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए भी छात्र छात्राओं को स्कूल बनाना पड़ सकता है। इसके लिए अब प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं के घर पर भेजे जाएंगे। वहीं छात्रों द्वारा घर में ही प्रश्न पत्र को हल कर कॉपियां स्कूल में जमा करवानी पड़ेंगी। इसके मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि जल्द घर से ही परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में हम लिखित आदेश जारी करेंगे। अभी प्रेस आदेश जारी नहीं हुआ है, या आप मान सकते हैं उन्होंने बयान दिया है। बता दें कि 9वीं और 11वीं के लिए फाइनल परीक्षा 12 अप्रैल से शुरू होनी थी। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य शिक्षा द्वारा परीक्षा कराए जाने की समुचित व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन बच्चों की सेहत से खिलवाड़ न करने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि ऑनलाइन मोड से परीक्षा ली जा सकती है और बच्चों के हित में यह निर्णय हो सकता है। अब बात हम देख सकते हैं, एमपी बोर्ड यानी 10वीं और 12वीं की जो प्री बोर्ड परीक्षा होने थी, उसके संबंध में फ्रेंड्स इंदर सिंह परमार ने कहा है कि यह परीक्षा अभी फ्रेंड्स से संभव नहीं है, हो सकती है इस परीक्षा को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आदेश फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जल्द से जल्द जारी होगा। इसके संबंध में आप देखें जॉब प्लेसमेंट चैनल हमेशा की तरह आपके सपोर्ट करने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र चैनल है, जिसके माध्यम से आप एजुकेशन की कोई भी अपडेट होती है उसकी सही बेहतर एनालिसिस जानकारी जान सकते हैं। तो जल्द आपको यदि बयान स्कूल शिक्षा मंत्री का जानना है, परीक्षा किस माध्यम से होगी, 9वीं 11वीं एवं 10वीं और 12वीं में क्या बदलाव होगा,
तो आपको जॉब प्लेसमेंट चैनल को जरूर सपोर्ट करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस रखें। धन्यवाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। जो 9th का और 11th की परीक्षाएं ऑफलाइन होना थी उसके बारे में हम कुछ परीक्षा की पद्धति बदलने पर विचार कर रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चों को भीड़ वाले स्थानों पर उन स्कूलों में नहीं आना पड़े, और उसका विकल्प क्या हो सकता है एक आध दिन में उसका निर्णय करके।